हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारी एमसीक्यू से सिलेबस कवर करने की सीरीज़ में हम अगला वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उनको देखते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल जो वर्तमान में बन सकते हैं या आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं उनके बारे में देखते हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह कोई डाउट ना हो। और इसी क्रम में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा वो देख लेते हैं। अब तक हमने राजस्थान में राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, ठीक है, उसके अलावा हमने उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट पढ़ ली है। और आज हम एक टॉपिक देख लेते हैं सचिवालय का, इससे भी सवाल पूछ लेते हैं। तो उसके बाद में हम जिला प्रशासन और बाकी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान के उन सभी में पूछे जाने वाले सवाल हैं, प्रश्न हैं, और आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके और ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी आगे भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है। तो राजस्थान का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, ठीक है, तो वो होगा मुख्य सचिव, ठीक है। तो शासन सचिवालय जो है उसका जो मुख्य होता है वो होता है मुख्य सचिव, ठीक है। और जो आईएएस होता है, जो भी वरिष्ठतम आईएएस जो होता है उसको, और जो मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है उसकी नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। जो नीति निर्माण, नियंत्रण, प्रशासनिक जो भी नेतृत्व है वो, और सर्वाधिक भूमिका निभाता है ये। अगला प्रश्न चलते हैं। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे आगे भी। तो जो मुख्यमंत्री है वो चयन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखते हैं राजस्थान के शासन सचिवालय की जो स्थापना है वो अप्रैल 1949, ठीक है, की गई, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों पर विचार कीजिए, ठीक है, मुख्य सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और शासन सचिव, ठीक है, इनको आरोही क्रम में सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मुख्य सचिव, उसके बाद में शासन सचिव, ठीक है, अतिरिक्त और उप सचिव, तो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उनका क्रम देखते हैं तो ऊपर ऊपर सीएम होता है, फिर कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, उसके अलावा राज्य जो के मंत्री होते हैं वो होते हैं, सॉरी, उपमंत्री होता है। तो ऐसे ये तो हो गया राजनीतिक, ठीक है, स्तर। और प्रशासनिक स्तर की जब बात आती है तो ये जो क्रम है 1 4 3 2, ये क्रम है ये प्रशासनिक स्तर का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपान्य क्रम उच्च स्तर से निम्न स्तर नियोजित करते हैं, सही। अच्छा ये ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सचिव, ठीक है, उसके बाद में हो गया विशिष्ट सचिव, ठीक है, और उप सचिव और सहायक सचिव, ठीक है, 1 3 2 4, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है, मुख्य सचिव की सेवा अवधि मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, जितने भी आप अपने दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों को सावधानी से पढ़िए, ठीक है। वह मुख्य मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ठीक है।
तो इसमें हम देखते हैं मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ठीक है, और राज्य लोक सेवाओं का मुख्य प्रमुख होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार नहीं होता, ठीक है, इसमें तीन गलत हो जाएगा, तो एक और दो सही है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मुख्य सचिव होता है, ठीक है, वो मुख्यमंत्री का सहयोग एवं सलाहकार होता है, ठीक है, लोक सेवकों का प्रमुख होता है, मुख्य जो मंत्री है उसका जो मंत्रिमंडल है उसका सचिव होता है, ठीक है, और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह राज्य का सचिवालय के विभाग जितने भी सचिवों हो, उसके अलावा निदेशालय के निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों का शीर्ष अधिकारी मुख्य सचिव ही होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। राज्य का मुख्य सचिव का कार्य, मुख्य सचिव का कार्य है वो देखना है हमें यहाँ पे। तो मुख्य सचिव का कार्य क्या क्या है, इसमें क्या है कि कैबिनेट के सचिव के रूप में, ठीक है, उसके अलावा मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में, ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा 1 2 3 4, ये राज्य के प्रधान के रूप में नहीं है, ठीक है, ये 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के मुख्य सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, इसमें पूछा है कि जो मुख्य सचिव है उसकी भूमिका, ठीक है, उसकी भूमिका के लिए पूछा है। तो इसके अंदर एक तो मंत्रिमंडल का सचिव, ठीक है, ये भी सही है, उसके अलावा मुख्यमंत्री का सलाहकार, सचिवों का प्रमुख और लोक सेवकों का प्रमुख, ठीक है, ये चारों सही है। इसके अंदर 1 2 3 4, चारों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, ठीक है, भारत सरकार का मंत्रिमंडल का सचिव, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ है वह ऐसे भी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से सचिव को आवंटित नहीं किए गए हों, ठीक है। मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार, ठीक है, इसके अंदर एक हो जाएगा, ठीक है, और सेंटर में जो एक देखता है वो देखता है पीएमओ, ठीक है, हाँ। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की इसमें, तो ये प्रश्न आप हमें याद रखिएगा, अभी आने वाले 2 प्रश्न ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, ठीक है, ये हो जाएगा श्रीमती कुशल सिंह, ठीक है, तो ये राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी, ठीक है, ये 27 फरवरी 2009 को बनी थी, ठीक है, पहली महिला, ठीक है, और जो दूसरी जो महिला है उनका नाम है उषा शर्मा, ठीक है, ये 2000, ठीक है, तो वर्तमान में कौन है, ठीक है, वो बताइए आप मुझे कमेंट करके नीचे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना के राधा कृष्ण, ये बने थे 13 अप्रैल 1949 को, ठीक है, और ये रहे थे 1950 तक, ठीक है, 2 मई। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो सचिव से बनते हैं, तो इनसे कुछ सवाल आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमारी एक सीरीज और चल रही है हिस्ट्री की, जिसके अंदर भी हम एमसीक्यू से सिलेबस कवर कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा चौहान हो चुका है, ठीक है, हम आगे अपना सिलेबस कवर करेंगे, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और हमारा टेलीग्राम है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।